हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार कोई वीडियो देख रहे हो तो सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी रोज रात को 8 बजे ऐसे वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाए। जैसे कि दोस्तों, हम रोज रात को 8 बजे एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कार सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, व्हीकल सेफ्टी, हर एक चीज़ की सेफ्टी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आता रहता है। तो उसके चलते आज का वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बातें करनी है, और इंटरेस्टिंग बातें करनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, हिट करें लाइक बटन को। दोस्तों, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फुल आउटडोर में, तो आपको बहुत सी अजीब गरीब सी आवाज़ें आ सकती है। ये मेरे बस में नहीं है, मैं इनको रोक भी नहीं सकता, इसके लिए थोड़ा इग्नोर कर देना। दोस्तों, बात करते हैं हमारे इंडिया के टॉप सेलिंग ब्रांड्स की, टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की। तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी का बरसों से नाम चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और ये अब से नहीं है, आपने पता है बहुत दिनों से हो रखा है। मारुति सुजुकी जो कार आती है, मारुति सुजुकी बलेनियो, जो कि प्राइस कॉम्बिनेशन की बात करें तो 6,42,000 से शुरू होती है एक्स शोरूम प्राइस, जो कि टॉप ब्रांड तक 10 लाख के लगभग पहुँच जाती है। और बात करते हैं NCA न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम के तहत इस कार की सेफ्टी रेटिंग कितनी है, तो वो है 5 स्टार, जो कि इतनी कम प्राइस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बेहतर लगी मेरे को। कि मारुति सुजुकी, उधर ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा की शायद 3 या 3 स्टार के लगभग सेफ्टी रेटिंग है, और प्राइस भी उसकी काफ़ी हाई मान जाती है। तो मारुति सुजुकी ने बलेनो के साथ ये चीज़ मुझे काफ़ी दी बेस्ट लगी सेफ्टी के साथ, कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। सेफ्टी रेटिंग कंपनी निर्धारित नहीं करती है, कंपनी के हाथ में सेफ्टी रेटिंग नहीं है। NCAP एक संस्था है, एक मान लो आप बात करो तो वो सेफ्टी रेटिंग डिपेंड करती है। ये USA की कंपनी है जो क्रैश टेस्ट करवा के सेफ्टी रेटिंग निर्धारित करती है, जो कि मारुति सुजुकी को देती है 5 स्टार, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है अनएक्सपेक्टेबल, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का कुछ मैटर कुछ ऐसा है कि उत्तरी दिल्ली में जो इलाका पड़ता है पीतमपुरा के नाम से, तो जो वहाँ पे रिंग रोड बनी हुई है, तो हरियाणा रोडवेज खड़ी थी रिंग रोड के साइड में, और सामने से ट्रक आ रहा था, तो ट्रक के हो गए थे ब्रेक फेल, और एक युवक 26 साल के युवक थे, तो आज बात करें तो 26 साल के थे युवक, बोल दो चाहे आदमी बोल दो कुछ ही बोल दो, तो वो अपनी मारुति सुजुकी बलेनो से आ रहे थे इधर, तो ट्रैक के हो गए ब्रेक फेल। ब्रेक फेल होने के बाद मारुति सुजुकी बलेनो की आपने फोटोज़ में देखा होगा, और देख रहे होंगे डिस्प्ले पे शायद फोटोज चल रही है। तो उसके बाद क्या होना कि मारुति सुजुकी बलेनो ट्रक और जो रोडवेज बस खड़ी थी, उन दोनों के बीच में फंस के बिल्कुल कुचल गई, ख़त्म ही हो गई लगभग। लेकिन खुदा ने कास्ता ना क्या हुआ कि भगवान के आशीर्वाद रहा रामचंद्र जी का, जिस कारण से कि जो युवक थे पुनित जी, उनका नाम बताया जा रहा है कि दिल्ली के निवासी है पुनित जी, उनको थोड़ा इंजर्ड आया है थोड़ा ज़्यादा, और बाकी सेफ है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में, ऐसे जो डेंजर मामले होते हैं, ख़तरनाक एक्सीडेंट्स या हादसे होते हैं, उनमें फिर कहीं ना कहीं अब देखो सेफ्टी रेटिंग देखी जाती है। अगर इस कार की जगह अगर इतनी टॉप स्पीड ब्रेक में अगर कोई दूसरी कार टक्कर हो जाती, 3 स्टार से नीचे या 0 स्टार की कार से सेफ्टी रेटिंग में, तो कहीं ना कहीं कुछ हानि हो सकती थी। तो लेकिन बलेनो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, इस कारण से कहीं ना कहीं पुनित जी जो कि सेफ है, और मेजर इंजर्ड जो आते हैं वो आए हैं, बाकी सेफ है। इतनी खतरनाक एक्सीडेंट नहीं है, अनएक्सपेक्टेबल बात यह है भी है कि इतना खतरनाक होने के बाद भी सेफ्टी। तो ऐसा मामलों में कहीं ना कहीं फिर कार की जो अपने हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उसकी सेफ्टी रेटिंग पर डिपेंड करती है यह सब चीज़ें। तो आप कोई भी कार परचेज करो, आप तो मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मैं ये चीज़ जानता हूँ, तो आप मुझे सेफ्टी रेटिंग भी देखिए, प्राइस कॉम्बिनेशन, प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ चलता है लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। तो सेफ्टी रेटिंग से देखने के बाद ही आप कोई भी कार परचेस करें। अब आवाज़ें और भी अजीब अजीब सी बढ़ने लग गई है, और ये मेरे बस में नहीं है इनको रोकना। तो वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलता हूँ रात को 8 बजे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।